ग्रेगर जॉन मेंडल, फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ठीक है, क्या नाम है इनका, सर ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, किया क्या बेटा इन्होंने, दूसरा चीज पूछा जाता है इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो किस पे इन्होंने किया था, तो द एक्सपेरिमेंट हैज डन ऑन पाइसम सैटाइवम। क्या होता है ये पाइसम सैटाइवम, गार्डन मी का पी। साइंटिफिक नेम ठीक यस, क्या है ये आपकी, स्वीट पी नहीं बेटा, गार्डन पी है। ठीक है, गार्डन पी पे इन्होंने काम किया, और काम करने के बाद इन्होंने देखा कि जो पी होता है उसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर्स होते हैं, उन करेक्टर्स के ऊपर इन्होंने क्या किया, सेवन टाइप ऑफ ट्रेट्स लिए और उन सेवन टाइप ऑफ ट्रेट्स की क्रॉस करवाई। ठीक है, प्लांट में क्या करवाया, क्रॉस, और क्रॉस अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके, पढ़ा है हमने डीमेस्कुलेशन एंड मैं पैटर्न, सेम प्रोसेस मेंडल ने करवाई और क्या किया, अलग अलग रिजल्ट ऑब्टेन किए और फिर कुछ क्या किए, लॉज दिए। ठीक है, बढ़िया था तनिष्क का संडे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ करेक्टर्स की पहले हम बात कर लें कि कौन कौन से करेक्टर मेंडल ने लिए थे। अब इन्होंने देखा कि जब भी हम क्रॉस कराते हैं किन्हीं भी दो मिलते जुलते करेक्टर्स का, जैसे हाइट हो गई, तो हाइट में दो वेरिएशन का अगर क्रॉस करा रहे हैं तो क्या होता है, हर बार एक वाला जो आपका करेक्टर है वो कि एक्सप्रेस होता है और दूसरा वाला क्या हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने नाम दे दिया क्या, रेसेसिव एंड डोमिनेंट। बेटा ये सारा कुछ तो ठीक है, मैंने तुम लोगों को यहां से नहीं स्टार्ट कराया कि व्हाट इज जेनेटिक्स, ये सब की जरूरत है क्या, तो कोई एक मैम ऐसा जिसको, जिस किसी को भी जरूरत हो कि व्हाट इज जेनेटिक्स, व्हाट इज हेरिडिटी, वेरिएशन, इनहेरिटेंस, एलील और या एलीलोमॉर्फ, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, डोमिनेंट, रिसेसिव, लिखो जल्दी से चैट बॉक्स में, अगर यस लिखना जरूरत होगी तो, नो नो मत लिखना, नो वाले पता है, यस वाला तो कोई नहीं है, जीनोटाइप फिनोटाइप इनमें से किसी चीज में दिक्कत हो मैं जल्दी से अभी एक्सप्लेन करके तब आगे बढ़ू, लिखो की जरूर तुम लोग, नो मैंने कहा ना, नो वाले मत लिखना, नो नो लिखना शुरू, यस वाला कोई नहीं है, बहुत बढ़िया, चलो एडवांस है भाई बच्चे। ठीक है, चलो पहला करेक्टर इन्होंने क्या लिया था, स्टेम की हाइट। तो देखा क्या कि जब दो स्टेम की हाइट आ रही, एक कैसे होते थे जो पी प्लांट होते थे विच आर टॉल, एंड दूसरे वाले कैसे होते थे, ड्रॉप होते थे। ठीक है, एक टॉल और दूसरा ड्रॉप। फिर क्या है आपका, फ्लावर का कलर, तो जो फ्लावर का कलर होता था वो कौन कौन सा होता था, एक वॉयलेट था और दूसरा कौन सा था, वाइट था। तो जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में कौन सा वाला आया, वॉयलेट वाला आया, वाइट वाला नहीं आया। ठीक है, फिर क्या हुआ आपका, फ्लावर की पोजीशन। ठीक है, फ्लावर की पोजीशन की बात करें तो पोजीशन कैसी थी, एक्सियल थी और कैसी थी आपकी, टर्मिनल, एक्सियल एंड टर्मिनल, दो तरीके के फ्लावर थे। स्क्रीन नहीं दिख रही है शिवानी, रिफ्रेश करो बेटा, बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन, स्क्रीन इज विजिबल एवरीवन। ठीक है, मैम अब एक्सियल और टर्मिनल का मतलब क्या होता है आपका, टर्मिनल मतलब जो यहाँ पे, अगर कोई फ्लावर की लोकेशन कहाँ है, यहाँ है, तो इसको क्या बोला जाएगा, टर्मिनल। ठीक है, एक्सियल क्या होता है आपका, फ्लावर की लोकेशन ये हो। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, एक्सियल। क्लियर, ठीक है, चलो यस मैम फिर इन्होंने क्या किया, अगला करेक्टर क्या लिया, पॉड का शेप। पॉड क्या है आपका, पी का जो फ्रूट होता है विच इज नोन एज पॉड, तो पॉड का शेप इन्होंने बोला कि इनफ्लैटेंड होता है, कैसा होता है, इनफ्लैटेंड होता है, जबकि ये वाला क्या होता है आपका, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, तो इनफ्लैटेंड और कॉन्स्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है, अगर ऐसा है, कैसा है, ऐसा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम,
इनफ्लैटेंट, लेकिन अगर ऐसा वाला पॉड है तो इसको क्या बोलेंगे हम? अरे वाह, इसको क्या बोलेंगे? कॉन्स्ट्रिक्टेड। क्लियर है? Yes, फिर क्या है, आपका पॉड का शेप देखा, फिर क्या देखा बेटा? पॉड का कलर देखा कि पॉड दिख किस कलर का रहा है। तो पॉड जो है वो किस कलर का था आपका? या तो ग्रीन था या तो येलो था। तो जब क्रॉस कराया तो ग्रीन वाले रिपीटेड हुए, तो ग्रीन को किस में रख दिया? डोमिनेंट में। और येलो को किस में रख दिया? रेसेसिव वाले में। फिर देखा सीड का शेप और सीड का कलर, ठीक है? तो सीड का जो शेप था बेटा वो कैसा था? अगर राउंड है तो डोमिनेंट और रिंकल्ड है तो रिसेसिव, ठीक है? सीड का कलर अगर येलो है तो डोमिनेंट और ग्रीन है तो रिसेसिव, ठीक? ये इन्होंने देखा कि डोमिनेंट और रिसेसिव दो तरीके के आपके क्या हो रहे हैं। गुड इवनिंग तन्वी, बहुत अच्छा बन गया अश्मिता। हाँ, ये कॉन्स्ट्रक्टेड वाला, चलो बढ़िया। अब यहाँ पे देखो ये सारे करेक्टरिस्टिक जो हैं वो कहाँ से आए, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो जो मेंडल थे, उज्जवल भी आ गए। गुड इवनिंग उज्जवल, लेट क्यों भैया आज तुम लोग? मैम के कॉल का वेट कर रहे थे क्या? नेक्स्ट कर दूं स्लाइड। अब इन्होंने बोला कि भाई ये सारे जो भी आपके करेक्टर्स होते हैं, द जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज करेक्टर्स, ठीक है? तो पहला जो करेक्टर था आपका वो कौन सा था? यहाँ पे रिंकल्ड वाले कैरेक्टर को लेके देखते हैं। और ये रिंकल्ड कैरेक्टर जो था वो किस वजह से था? तो यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे एक एंजाइम बनता है। क्या नाम है इस एंजाइम का? SBE। व्हाट इज द नेम ऑफ SBE? क्या होता है इसका फुल फॉर्म? लास्ट स्लाइड कर दूं? अच्छा, सर ने मैसेज करा है। नहीं, उज्जवल तो वैसे भी आती है भाई, लेट हो गया होगा उसको। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम क्या कर रहा है? या इट इज कन्वर्टेड द शुगर इनटू स्टार्च। जब फोटोसिंथेसिस होती है तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर में। डन, कोई बात नहीं उज्जवल। हाँ तो बेटा SBE था आपका, कौन सा? स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। कौन सी क्लास थी उज्जवल? ठीक है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम था। ये करता क्या है बेटा? व्हाट इज द वर्क ऑफ इट? शुगर जितना भी बनेगा फोटोसिंथेसिस में उसको कन्वर्ट कर देता था स्टार्च में और सीड में स्टोर कर देता था, ठीक है? अभी अगर मान लो ये जीन डेफिशिएंट हो गया, ठीक है, ये जीन क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, इन दैट कंडीशन क्या होगा? SBE नहीं बनेगा, ठीक है? ओके उज्जवल, ठीक है, SBE क्या हो जाएगा आपका? नहीं बनेगा। अगर SBE नहीं बनेगा तो क्या होगा आपका? शुगर जो है वो क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है? द लेवल ऑफ शुगर इज इन द सीड विल बी इंक्रीजेस। जैसे ही ये इंक्रीज होगा क्या होगा इससे? वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जल्दी बताओ। शुगर कम हो रहा है, वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? डिक्रीज, ठीक है? जब ये डिक्रीज हो जाएगा तब उस कंडीशन में क्या होगा? वाटर पोटेंशियल कम हो गया। जैसे ही वाटर पोटेंशियल कम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इन दैट कंडीशन सीड विल एब्जॉर्ब द वाटर। अब जब सीड बेटा वाटर एब्जॉर्ब करेगी तो क्या हो जाएगी? टर्जिड हो जाएगी, ठीक है? सीड गेट्स टर्जिड। और आफ्टर दैट क्या होगा? जैसे ही सीड मैच्योर होगी तो सीड क्या होती है? इन द मैच्योरेशन कंडीशन सीड में होने लगता है डिहाइड्रेशन। तो जितना पानी एब्जॉर्ब किया था उतना ही ज्यादा लॉस भी होगा। तो पहले नॉर्मल कंडीशन में जब SBE था तो वाटर का एब्जॉर्प्शन उतना था ही नहीं, क्योंकि शुगर बार बार स्टार्च में चेंज हो रही थी। लेकिन जब SBE क्या हो गया आपका? डेफिशिएंट हो गया। इन दैट कंडीशन शुगर क्या हो गई? बढ़ गई। वाटर पोटेंशियल कम हुआ, सीड ने पानी ज्यादा अब्सॉर्ब कर लिया। अब इन दैट कंडीशन जब मैच्योरेशन ऑफ सीड होगा, तो डिहाइड्रेशन शुरू हो जाएगा। मतलब पानी क्या करेगा?
निकालने लगेगा सीट से बाहर, ठीक है। तो सीट अब क्या हो जाएगी आपकी, श्रिंकेज ज्यादा होगा या नहीं होगा, ज्यादा पानी था तो ज्यादा फूली हुई थी, अब ज्यादा श्रिंकेज हो जाएगा। और यही श्रिंकेज क्या करता है आपकी सीट को, क्या कर देता है, रिंकल, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, ठीक है, जो आपके PYQ में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं यहाँ से, कि जो भी जीन है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, दो काम करेगा, डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या है कि भाई वो वाला जीन अगर एक्सप्रेस हो रहा है तो वो काम कर रहा होगा, ठीक है, दैट्स व्हाई वो ऐसा करेक्टर एक्सप्रेस कर रहा था। लेकिन अगर रिसेसिव है, ठीक है, वो वाले जीन आए ही नहीं आपके, तो क्या होगा उस कंडीशन में, डिफिशियंट हो गया तो जो काम कर रहा था वो करना बंद कर देगा और करेक्टर चेंज हो जाएगा। तो मेंडल ने बोला क्या, शुड आई मूव टू द नेक्स्ट वन, फाइल इसमें फाइल यहाँ पे देखो बेटा, SBE क्या है तुम्हारा, एक जीन है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम है, सॉरी, मतलब एक जीन है जो SBE बना रहा है, SBE का एक जीन होगा जो एक एंजाइम बनाएगा, और इस एंजाइम का काम क्या है, शुगर को चेंज कर देना स्टार्च में। अब अगर ये वाला एंजाइम ही नहीं बनेगा तो शुगर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और जब शुगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है तो जो सीड है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने लग जाता है ज्यादा, नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा वाटर ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे, सेल कैसी हो जाएगी तुम्हारी, सॉरी सीड कैसी हो जाएगी, इट विल बिकम टर्जिड, और टर्जिड हो जाएगी आफ्टर मैच्योरेशन, कोई सी भी सीड होगी जब वो मैच्योर होती है तो उसमें एक प्रोसेस होता है डिहाइड्रेशन का, मतलब वाटर लॉस हो रहा है, तो ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब हुआ था तो ज्यादा, अगर H2O का एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो डिहाइड्रेशन का लेवल भी क्या होगा, ज्यादा होगा, तो सेल क्या हो जाएगी आपकी, श्रिंकेज आ जाएगा सेल में, जिसको हम रिंकल्ड सीड बोलते हैं, ठीक है, अब नॉर्मल नहीं बनेगा। शैलजा उज्जवल इज लड़की, आई थी, है ना उज्जवल, यस मैम। हाँ भाई अभी ठीक है शैलजा, अब क्लास में एंट्री दे दूँ, ठीक, चलो विथ योर परमिशन आगे बढ़े। चलो अभी मैंडल ने क्या बोला बेटा, कि ये जो कैरेक्टर्स हैं, देयर आर कैरेक्टर एंड दीज कैरेक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन द जीन, ये जीन इन्फ्लुएंस करेंगे इन कैरेक्टर को, तो मेंडल ने इन कैरेक्टर्स का नाम क्या रख दिया, ये सॉरी इन जीन्स का नाम क्या रख दिया, फैक्टर, क्या नाम दिया, यूनिट फैक्टर। अब यहीं से एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, व्हाट, हु गेव द या हु कॉइन्ड द टर्म फैक्टर, तो ग्रेटर जॉन मेंडल, ठीक है, क्लियर। अब बेटा सेवन कैरेक्टर थे, कितने कैरेक्टर थे अभी हमने देखा पीछे, देयर आर सेवन कैरेक्टर, और इस सेवन कैरेक्टर को कितने क्रोमोसोम मिलकर के, कितने क्रोमोसोम इसको हैंडल कर रहे हैं, फोर क्रोमोसोम, ठीक है, द कैरेक्टर्स आर सेवन बट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर फोर, ये भी क्वेश्चन आपका PYQ में आ चुका है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सम टाइम कैरेक्टर पूछता है, सम टाइम क्या पूछता है आपका, 1 4 5 7 है ना शिवानी, ठीक है, तो फोर क्रोमोसोम है आपके, कौन कौन से, 1 to 7 वाले क्रोमोसोम होंगे, जिनमें से कौन कौन से वाले क्रोमोसोम आपके वर्क करेंगे, 1 4 5 और 7, ठीक है, 1 4 और 5 7, ठीक है, ये क्या है आपके, ये वो वाले कैरेक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं, सेवन कैरेक्टर्स को, सॉरी, ये वो वाले क्रोमोसोम हैं जो बाकी के सेवन कैरेक्टर्स को क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक सारे बच्चों का, जल्दी बताओ, यस मैम। पीछे वाली स्लाइड पे ही क्रोमोसोम नंबर लिख दो, यस मैम। लिखा है, ठीक है, चलो बताओ कौन सा है आपका सीड, स्टेम की हाइट कौन सा वाला कलर करती है, फोर, यहीं पे लिख रही हूँ मैं, तुम लोग भी वही लिख लेना, स्टेम की हाइट के लिए कौन सा क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, क्रोमोसोम नंबर फोर, फिर आपका फ्लावर कलर के लिए कौन सा है, वन, फिर फ्लावर की पोजीशन के लिए कौन सा है, फोर पॉट शेप के लिए फोर, फोर और इसके लिए फाइव, और सीड शेप के लिए, सेवन और फिर
वन. अब देखो इसमें जितने क्रोमोजोम है 4, 1, 4, 4, 5, 7, 1, तो मतलब सिर्फ यही चार हैं, बाकी कहीं पे भी आपका और कोई सा न 2 आया है न 3 आया है ना 6 आया है, तो बाकी सारे कोई से भी करेक्टर यहाँ पे नहीं है. ठीक यस मैम. डन, यहाँ तक सारे बच्चों का नोट कर लिया? यस मैम. अब बेटा मेंडल ने किया कैसे ये काम? पहली चीज पहले तो मुझे ये बताओ कि why मेंडल चूज द पी प्लांट, क्यों चूज किया? टू थ्री मंथ में. बेटा वॉइस लैग हो रही, जो कोई भी आंसर करे चैट बॉक्स में आओ जल्दी. लाइफ स्पेन शॉर्ट है, यस. पहला पॉइंट कौन सा है आपका? लाइफ स्पेन क्या है आपका? शॉर्ट होता है, जल्दी जल्दी ग्रो करवा सकते हैं, जल्दी जल्दी न्यू प्रोजीनी आएगी. ठीक है, तो लाइफ स्पेन शॉर्ट है. फिर दूसरा पॉइंट क्या था? बायसेक्सुअल फ्लावर होता है बायसेक्सुअल फ्लावर, दैट मीन्स आपका सेल्फ पॉलिनेशन भी कर सकता है एंड क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं, दोनों का दोनों कर सकता है. दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि मेंडल ने जो रिसर्च की थी वो इसी पे बेस्ड थी. इनका एक्सपेरिमेंट ही किस पे बेस्ड था? क्रॉस एंड सेल्फ पॉलिनेशन पे. प्योर और ट्रू ब्रीड्स बनाता है ना? क्यों? क्योंकि बायसेक्सुअल फ्लावर है, प्योर एंड ट्रू ब्रीड बनाएगा, और हाइब्रिड भी बना लेता है क्योंकि हम क्रॉस करवा सकते हैं. ठीक है, और क्या था? यस, वेरिएबल करेक्टर्स थे. और क्या था इसमें? वेरिएबल करेक्टर्स. ठीक है, चलो और कुछ छूटा तो नहीं है? यस, वेरिएबल करेक्टर्स होते हैं और डिस्टिंक्ट करेक्टर होते हैं. ठीक है, हर एक करेक्टर क्या है अपने आप में? डिस्टिंक्ट है. ठीक है, यस, हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है, दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, यस, हाँ, बायसेक्सुअल फ्लावर ये सारा हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, प्योर लाइन, ट्रू ब्रीडिंग, बस इजी टू हैंडल रह गया. वही मैं सोच रही हूँ, एक कुछ रह गया. कैसा प्लांट है बेटा? इजी टू ग्रो, इजी टू हैंडल, विच इज इम्पोर्टेंट वन, है ना? बड़े प्लांट पे एकदम कर लेते रिसर्च तो भाई ग्रो करवाने और हैंडल करने में भी दिक्कत आती. यस, ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चले. अब बेटा किया क्या इन्होंने? तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का जो एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया था, दैट एक्सपेरिमेंट हैज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन. क्या ही हो गया मुझे? हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन? दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन कराया. हाँ, गिव इट टू सर. डन मैम. चलो कर लिया सबने, आ जाओ भाई. हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपका?
अब यहाँ पे दो काम किया इन्होंने, पहले तो पेरेंट सेलेक्ट किए, तो पेरेंट कैसे सेलेक्ट किए बेटा, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट, पेरेंट कैसे लिए, ट्रू ब्रीडिंग वाले। ट्रू लाइन क्या होता है, ट्रू लाइन दैट मीन्स विच कंटेन द होमोजाइगस जीन। अब होमोजाइगस क्या है, मतलब अगर किसके पास जीन है तो वो कैपिटल टी हो या स्मॉल टी हो, दैट इज नोन एज द ट्रू लाइन। ठीक है, एक जैसे जीन पाए जाएं, कोई मिक्स्ड वैरायटी नहीं हो। ठीक, फिर दूसरी चीज आपका क्या था, इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया, दोनों पेरेंट्स कैसे थे आपके, एक पेरेंट ये वाला लिया, दूसरा पेरेंट ये वाला लिया, और इनमें क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बोलू क्रॉस पॉलिनेशन में इरेज कर रही हूँ, आप थोड़ा सा समझना यहाँ पे बेटा, पहले पेरेंट को पाने के लिए ट्रू लाइन पेरेंट कैसे मिलेंगे, सबसे पहले सेल्फ क्रॉस कराएंगे, क्या कराएंगे यहाँ पे, सेल्फ क्रॉस कराया जाएगा। ठीक है, टॉल वाले का टॉल वाले से, ड्रॉप वाले का ड्रॉप वाले से, तो इस कंडीशन में जब सेल्फ क्रॉस कराया तो कौन मिला हमें, ट्रू लाइन पेरेंट मिले। क्लियर है ये, ऐसे प्लांट लिए इन्होंने। ठीक है, ताकि प्योर लाइन हो, उस प्योर लाइन का अब हमने क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन। अगला स्टेप क्या किया इन्होंने, क्रॉस पॉलिनेशन कराया, और जब क्रॉस पॉलिनेशन के बाद जो जनरेशन हमें मिली, विच इज नोन एज फिलियल वन, दैट इज एफ वन जनरेशन। क्या नाम दिया इसका, एफ वन जनरेशन। नाउ एफ वन जनरेशन में अब क्या किया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया किसका, प्रोजिनी का। जो एफ वन जनरेशन मिली, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ एफ वन जनरेशन, ठीक है, या प्रोजिनी, इनका सेल्फ क्रॉस कराया। कुछ कुछ समझ में आया, नवशिखा समझ में आ रहा है बेटा, और कोई बच्चा जो अभी नया है, पहली बार पढ़ रहा है ये वाला चैप्टर, देयर इज एनी स्टूडेंट, हो भाई क्लास में? यस मैम। पुराने वाले यस मैम कर रहे हैं, क्या है मैम, है क्लास में, नया वाला तो कोई नहीं है, सारे पुराने वाले, बढ़िया तब फिर बढ़िया। क्लियर, चलो नवशिका का भी मैसेज आ गया यस मैम। मैम प्रीवियस स्लाइड न्यू बना लूं, न्यू बनाऊंगी बेटा, न्यू मैम आ रही है, उनसे ही न्यू बनना पड़ेगा। सीधा जा रहा है दिमाग में, बढ़िया, चलो कर लिया गायत्री, नहीं बनना नहीं हो, न्यू मैम नहीं चाहिए। आ जाओ भाई, अब देखो हुआ क्या बेटा, यहाँ पे एक फ्लावर लिया, कैसा फ्लावर है, कैसा फ्लावर है बताओ, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, दैट मीन्स दिस फ्लावर कंटेन द स्टिग्मा एज वेल एज क्या होगा इसके पास, बाइलोब, एंथर, पिस्टल भी है इसके पास, और क्या है इसके पास, इसका एंथर भी, दोनों चीजें हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, यहां से क्या होगा, पॉलन ग्रेन मैच्योर होकर के जैसे ही डेहिसेंस होंगे, सीधे कहाँ आ जाएंगे, इस स्टिग्मा पे आ जाएंगे, इन दैट कंडीशन। ये वाला प्रोसेस कब कराएंगे, जब पेरेंट चाहिए थे, क्या चाहिए थे हमें, जब पेरेंट चाहिए थे, बट जब हमको क्रॉस कराना है बेटा, इन दैट कंडीशन हमें क्या कराना होगा, बगल वाली सीट में मानसू सर बैठे हैं, क्या करें, केमिस्ट्री पढ़ना है, सारा ध्यान अगल बगल यही वही रहता, पढ़ा रही हूँ, पढ़ लो। चलो अभी क्या करेंगे, पहली प्रो ये कैसा है, बाइसेक्सुअल है आपका, और सेल्फ क्रॉस करेगा, जो बाइसेक्सुअल होता है वो क्या करता है, सेल्फ क्रॉस करता है। आओ उधर ध्यान दो सारे बच्चे, अगर मेंडल को करवाना था क्या, क्या करवाना था, सेल्फ सॉरी क्रॉस करवाना था, ठीक है, इन दोनों के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन लिखना था, क्या ही है भाई,
चलो क्रॉस पॉलिनेशन करवाना था, इन दैट केस क्या करेगा, कैसा प्लांट चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। अब कौन सा फ्लावर चाहिए, यूनिसेक्सुअल फ्लावर चाहिए, अभी हम रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। चलो यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए क्या चाहिए, इसी वाले फ्लावर में से या तो मेल वाला पार्ट हटा दें या तो फीमेल वाला पार्ट हटा दें, ठीक है। तो किसको रिमूव किया जाता है, यहाँ पे रिमूव कर देंगे किसको, एंथो, ठीक है। तो एंड्रोशियम क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अब जब इस प्लांट से क्या कर दिया हमने, रिमूव कर दिया किसको, मैस्कुलिन वाले पार्ट को रिमूव किया है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगी, ठीक है, ईमैस्कुलेशन करवा दिया। अब ईमैस्कुलेशन के बाद बेटा हमने क्या किया, हमारे पास एक डिजायर्ड पॉलिन था और हमें इसी पॉलिन को क्या करना था, इस स्टिग्मा के ऊपर लेकर आना था, ठीक है। बट कब लेकर आएंगे, जब ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, इन दैट कंडीशन। तो जब तक हम वेट कर रहे हैं कि स्टिग्मा मैच्योर हो, ये भी तो हो सकता है कि कोई दूसरा पॉलिन, ठीक है, कोई दूसरा पॉलिन यहाँ कहीं हो और वो क्या हो जाए, वो एयर से या आपका किसी भी एजेंट्स के थ्रू यहाँ आ सकता है, तो इसको भी रोकना एक काम है। तो क्या किया गया, इस स्टिग्मा को जिसको ईमैस्कुलेटेड किया गया है उसके ऊपर क्या किया गया, पैराफिन का ऐसे कोट चढ़ा दिया गया, ठीक है। अब क्या हो गया, स्टिग्मा कवर हो गया। अगर अब बाय एयर या आपका किसी भी एजेंट के थ्रू यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ भी जाते हैं तो वो किसके ऊपर आएंगे, इस बैग के ऊपर आएंगे, स्टिग्मा पे नहीं जा पाएंगे, तो पॉलन पिस्टल इंट्रेक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको कब हम करेंगे, रिमूव कर देंगे आफ्टर मैचुरेशन, ठीक है। आफ्टर मैचुरेशन इसको क्या करेंगे, ये जो बैगिंग थी इसको रिमूव कर दिया जाएगा और क्या होगा, यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंट्रेक्शन करवा के हम हमारी F1 जनरेशन मिल जाएगी, क्लियर है ये। yes, बेटा ईमैस्कुलेशन का मतलब मैस्कुलाइन वाला पार्ट हटा दिया, और मैस्कुलाइन वाला पार्ट क्या होता है बताओ, फ्लावर में मैस्कुलाइन पार्ट कौन सा है, मेल मतलब मैस्कुलिन होता है ना, यस, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ठीक है। तो एंड्रोशियम हटाएंगे और जिससे एंड्रोशियम हटाएंगे उसी वाले पे बैगिंग भी करेंगे सेम फ्लावर पे, ये दोनों फ्लावर क्या है, सेम है, ठीक है, क्लियर। डन कर लिया ये वाली साइड, यस मैम, यस। अब देखो जब क्रॉस कराया मेंडल ने तो तीन टर्म होते हैं, ये क्रॉस कैसे कैसे कराया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाया, मोनो मीन्स वन, तो यहाँ पे कितने कैरेक्टर लिए, ओनली वन कैरेक्टर लिए, ठीक है, कितने कैरेक्टर लिए यहाँ पे, हाइट लिया और एक टॉल एक ड्रॉप ले लिया और उसको क्या करवा दिया, क्रॉस करवा दिया आपस में, ठीक है। जिन बच्चों ने हिमांशी सर को गुड इवनिंग कहा है, मैंने मैसेज नहीं दिया सर को, डन कर लिया, बोलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, यस मैम। आफ्टर मैचुरेशन बैगिंग रिमूव कर देंगे तो F1 जनरेशन हमारी क्या होगी बेटा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन की आगे की प्रोसेस तो पढ़ ली है, डन कर लिया। चलो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा या फिर क्या कर सकते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर सकते हैं। डाई हाइब्रिड का मतलब क्या है, कितने कैरेक्टर्स इन्वॉल्व किए बेटा यहाँ पे, टू कैरेक्टर मतलब कि प्लांट जो है वो हाइट में भी ज्यादा है और फ्लावर भी मान लो ले लिया कलर, कि फ्लावर का कलर कौन सा, दो कैरेक्टर लिए, ठीक है, टू कैरेक्टर्स एट ईच टाइप, ठीक है। फिर क्या लिया यहाँ पे,
ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होता है. ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है? थ्री कैरेक्टर मतलब हो सकता है कि फ्लावर का कलर ले लिया हो, और क्या ले लिया, फ्लावर की पोजीशन ले लिया हो, और प्लांट की हाइट ले लिया हो. तो तीन कलर लेकर के किया. ठीक है, चलो डन. अब बेटा यहाँ पे ये जो दोनों, ये मोनो हाइब्रिड, ड्राई हाइब्रिड और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हैं, इन क्रॉस के अकॉर्डिंग क्या किया था मेंडल ने, जो भी अपने लॉज दिए थे वो दिए थे. ठीक है, सबसे पहला जो लॉ है मेंडल का वो कौन सा वाला है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की बात करें तो मेंडल ने सबसे पहले कौन सा वाला लॉ दिया? लिखो जल्दी से, कौन कौन से लॉ दिए थे मेंडल ने? लॉ ऑफ डोमिनेंस और प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर. यस बिल्कुल. फिर दूसरा कौन सा था? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. मेंडल ने क्या दिया था बेटा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था. बट जब इनके तीन लॉ को, सॉरी इसमें से तीन प्रिंसिपल को क्या कर दिया गया? इट बिकम लॉ. ठीक है, जिसमें से सिर्फ एक ही यूनिवर्सल लॉ फॉलो करता है, वो भी जब आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है उस टाइम पे. कौन सा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. बाकी आपके जो भी लॉ थे उनका क्या मिला? कहीं ना कहीं से ड्रॉबैक मिला. ठीक है, आगे जब रिसर्च हुई तो मेंडल ने प्रिंसिपल दिया था, बाद में दैट प्रिंसिपल बिकम द लॉ. यस, चलो पहला कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर. दूसरा क्या होता है आपका? प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. ठीक है, तीसरा कौन सा था? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, फिर क्या था आपका? प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. बेटा प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर में क्या बताया मेंडल ने? कि पहली बात तो इन्होंने जीन को क्या बोला था? फैक्टर बोला था. तो इन्होंने बस यही बताया कि यहाँ पे जितने भी हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं विच आर ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन आर गो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर. तो जीन टर्म नहीं दिया था. जीन टर्म किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था. लेकिन इसको मेंडल ने क्या नाम दिया था? फैक्टर. इसीलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ पेयर्ड फैक्टर बोला गया कि पेयर्ड फैक्टर के फॉर्म में, मतलब कि कोई भी करेक्टर जा रहे हैं तो वो इस फॉर्म में जा रहे हैं, पेयर्ड फैक्टर के फॉर्म में जा रहे हैं. या तो कैपिटल टी स्मॉल टी के फॉर्म में जा रहे हैं या फिर स्मॉल टी के फॉर्म में जा रहे हैं. ठीक है, तो इसको इन्होंने क्या बोला कि कोई भी करेक्टर जो वन जनरेशन टू फ्रॉम अनदर जनरेशन जा रहे हैं वो किस फॉर्म में जा रहे हैं? फैक्टर के फॉर्म में जा रहे हैं. ठीक है, क्लियर इतना. फिर प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस देखते हैं. तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंट में डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, ये सारा कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है. जल्दी बताओ क्या है सबको? ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस में मेंडल ने क्या बोला कि जब हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलील्स को, एलील और जीन में कोई कंफ्यूजन किसी को? यस मैम. क्या क्या दोनों टर्म सेम है ये बता दो?
ये थोड़ा समझने वाली चीज है. नो मैम. ठीक है, जीन क्या होता है आपका? कोई भी जीन है, हाइट के लिए मान लो जीन है. ठीक है, कौन सा आपका? ये वाला. ठीक है, ये इस फॉर्म में भी हो सकता है. अब इसके जो क्या होंगे, पॉलीमॉर्फिज्म होंगे, वो एलील कहलाते हैं. ठीक है, एक जीन की कितनी वेराइटी पाई जाती है. हाइट एक करेक्टर हो गया, वो करेक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा किसी ना किसी जीन पे. और जीन है क्या? क्रोमोजोम की इस एक यूनिट क्या कहलाती है? आपकी डीएनए. और डीएनए की एक फंक्शनल यूनिट क्या कहलाती है? जीन. ठीक है, अब ये जीन क्या करता है? कोई ना कोई करेक्टर एक्सप्रेस करेगा, लेकिन इस जीन में होते हैं वेरिएशन. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? होमोजाइगस भी हो सकता है जीन, और हेट्रोजाइगस भी हो सकता है. और ये जो जीन है आपका, वो क्या हो सकता है? डोमिनेंट भी हो सकता है, रेसेसिव भी हो सकता है. डोमिनेंट मतलब कि जब भी वो ये वाला जीन का पेयर आएगा, अपने करेक्टर को एक्सप्रेस जरूर करेगा. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ आपके ऐसे जीन होते हैं, कुछ ऐसे एलील होते हैं, जब वो आ जाते हैं तो दूसरा वाले अपने आप को क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है. वो तभी एक्सप्रेस करेगा जब वो क्या आया हो? इंडिविजुअल फॉर्म में आया हो. ठीक है, तो दो होते हैं यहाँ पे. कौन कौन सा वाला आपका? एक होमोजाइगस कंडीशन पाई जाएगी, और दूसरी कंडीशन क्या पाई जाएगी आपकी? हेट्रोजाइगस. तो होमोजाइगस कंडीशन और एक हेट्रोजाइगस कंडीशन. होमोजाइगस वाली दोनों कंडीशन में, ये दोनों ही कैसी कंडीशन है? होमोजाइगस. क्योंकि जो जाइगोट बना वो कैसा है? एक जैसा, कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी वाला. अब इसमें हो सकता है कि ये कैसा हो? एक्सप्रेस किया हो F1 जनरेशन में मिक्स करने पे तो डोमिनेंट है. और अगर दो को मिक्स करने पे एलील्स को, अगर इसने अपने एक्सप्रेशन को रोक दिया तो ये क्या है आपका? रेसेसिव है. तो रेसेसिव कब आएगा? सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस रेसेसिव कंडीशन में. लेकिन जब हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है बेटा, इन दैट कंडीशन कौन यहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करेगा? डोमिनेंट वाला. और इसी हेटेरोजाइगस कंडीशन को ही देखते हुए हम डोमिनेंट और रेसेसिव का पता लगाते हैं. तो मेंडल ने यही रूल दिया कि जब आपका दो डिफरेंट टाइप ऑफ एलील, या ये बोला कि जब भी हेटेरोजाइगस कंडीशन आती है किसी भी प्लांट में के करेक्टर में, तो वहां पे क्या हो रहा था? सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट वाला ही F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा. इसी को इन्होंने बोल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस. तो क्या ये लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल ने एकदम सही बात बताई थी? ये बताओ, बताओ भाई. नो मैम. क्यों ऐसा होता है? मेंडल ने इसके लिए क्रॉस कौन सा करवाया था? एक तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से, मोनोहाइब्रिड. ठीक है, इसमें क्रॉस कौन सा करवाया था मेंडल ने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवा करके देखा कि भाई F1 जनरेशन में क्या एक्सप्रेस हो रहा है. ठीक है, तो हर बार वही वाला जीन एक्सप्रेस हो रहा था. फिर जब क्या किया उन्होंने, बैक क्रॉस करवाया, तब क्या पाया? बैक क्रॉस में भी टेस्ट क्रॉस जब करवाया, तब पता चला कि भाई अब रेसेसिव वाला एक्सप्रेस हुआ. ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, पहली चीज. दूसरी चीज, यहाँ पे जो लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है इसका बाद में रिसर्च हुई तो आपके को डोमिनेंस के बारे में पता चला. तो को डोमिनेंस क्या हो गया इसका? को डोमिनेंस क्या है? को मीन्स साथ साथ. ठीक है, तो दो ऐसे आपके एलील जो एक साथ क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर रखते हैं, लाइक ब्लड ग्रुप. आपका एबी ब्लड ग्रुप क्या है? को डोमिनेंस का एग्जांपल है. बोलो. yes, फिर दूसरा yes, आपका कौन सा आता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि डोमिनेंट तो है बट इनकम्प्लीट वे में. दूसरे वाले को कंप्लीटली सप्रेस नहीं कर पाया, ना अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर पाया. इन दैट कंडीशन दोनों ने एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश की और अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की, तो क्या हुआ था? स्नैप ड्रैगन में देखा जाता है इसका एग्जांपल, कि जो आपके व्हाइट और रेड फ्लावर थे, जब इन दोनों को क्रॉस करवाया गया तो ना ही व्हाइट फ्लावर बने ना ही रेड फ्लावर बने. क्या हुआ? फ्लावर का कलर पिंक हो गया. तो ये क्या था? तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस था. यस, 4 o'clock प्लांट में देखा जाता है. ठीक है, यस. मेरा बैलेंस जलापा. एग्जैक्टली. ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है. तो यहाँ पे बेटा दो कॉन्ट्रडिक्शन मिले मेंडल को, कि उन्होंने बोला कि हर बार क्या होता है आपके डोमिनेंट वाले कैरेक्टर आते हैं, लेकिन ये देखा गया कि कुछ ऐसे भी एलील हैं जो को डोमिनेंस में वर्क कर रहे हैं, एक साथ दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं, और कुछ क्या कर रहे हैं, अब दोनों के ही कैरेक्टर चेंज हुए जा रहे हैं क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे. क्लियर है?
फिर आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, इट इज द इम्पोर्टेंट वन, और इसका कोई भी आपको ड्रॉबैक नहीं मिला, क्योंकि ये कब हम पढ़ते हैं, गैमेट फॉर्मेशन में। अभी हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा है, तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन पढ़ा तो मैंने तुम्हें एक प्रोसेस का नाम बताया, जल्दी से बताओ कि वो प्रोसेस, वो डिवीजन हमेशा होता है जब भी हम गैमेट फॉर्मेशन पढ़ते हैं, चाहे हम मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़े, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़े, या फिर ऊजेनेसिस पढ़े, बताओ जल्दी। यस, वेरी गुड जतिन, मोहिनी वेरी गुड, अश्मिता और बाकी बच्चों रिप्लाई करो जल्दी से। हर्षिका, उज्जवल, कोमल, मियोसिस, गैमेट बेंड, मियोसिस। मियोसिस क्या कह रहा है कि आपके जो एलील है वो क्या होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे ये क्या था, कैपिटल टी था, ये वाले दोनों आपके प्योर वाले होंगे, पेरेंट पेरेंट कैसे होंगे, प्योर वाले होंगे। तो जब ये गैमेट बनाएंगे तो गैमेट आपस में क्या हो जाएंगे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग हो जाना, सेपरेट हो जाना। तो एक ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर, और ये ऐसे ही आपके रेसेसिव वाले दोनों पेरेंट्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बन गए, गैमेट बन गए। तो बस मेंडल ने यही बोला कि इन द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, प्रतिभा ने पहले ही कर दिया था, प्रतिभा आंसर, बेटा आंसर आया नहीं। यस, रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन हुआ, आधे आधे बढ़ गए। ठीक है, पहले ही क्या थे, डिप्लॉइड थे, हैं डिप्लॉइड, बोलो जल्दी, अब ये सब पढ़ चुके हो ना तुम लोग। अभी कैसे हो गए बेटा, हैप्लॉइड हो गए, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड, ताकि क्रोमोसोम नंबर आपके रिमेन बने रहे। अब ये वाला कैपिटल टी अगर इस वाले स्मॉल टी के साथ एफ वन जनरेशन में आता है तो वापस से देखो ये क्या हो गए, डिप्लॉइड हो गए। तो हमें बनाना क्या था, बोलो क्या बनाना था, हमें एक डिप्लॉइड बनाना था, बन गया। तो क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड से डिप्लॉइड पे है, अगर सेग्रीगेट नहीं होते तो 2n यहां से आता, 2n यहां से आता, और नेक्स्ट जनरेशन 4n वाली हो जाती। तो क्रोमोसोम नंबर हर बार बढ़ते रहते तो फिर क्या होता, तुम इतने सुंदर नहीं दिखाई देते, बस यही होता। ठीक है, चलो फिर ये वाला हो सकता है इसके साथ फ्यूज कर जाए, फिर ये वाला हो सकता है इसके साथ फ्यूज कर जाए, वाला हो सकता है इसके साथ। क्या चांसेस हैं बताओ, इक्वल चांसेस हैं, 1:1 एफ वन जनरेशन में। ठीक है, क्लियर? यस। लेकिन अगर मैं इनके अच्छा अगला क्रॉस करवा देती हूँ, इसी में एक अगला क्रॉस करवा दूं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कौन सा एफ टू जनरेशन के लिए क्रॉस करवाना है, तो ये एफ टू जनरेशन का पेरेंट है, ये कौन है, एफ टू जनरेशन में हमने इसको एज अ पेरेंट लिया। तो अब फिर से सेग्रीगेशन होगा या नहीं, हर एक जनरेशन में आपका सेग्रीगेशन जरूर होता है, इसीलिए ये आपका यूनिवर्सल लॉ है कि भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को माना गया है, लॉ है। बाकी सबके क्या है, ड्रॉबैक मिले। ठीक है, चलो अब अगर यहाँ पे मैं इसको करवाऊं तो एक ये मिला, एक आपका क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर एक क्या मिलेगा आपका, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या मिलेगा, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे हम निकालते हैं क्या, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो। अब बताओ जीनोटिपिक फिनोटिपिक बताना जरूरी, नो मैम, अभी भी यही बोलोगे कि बताना जरूरी नहीं है, बनता है फिनोटिपिक रेशियो। गायत्री कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, जिस किसी को है बता दो भाई, कैसा लग रहा है, स्टाइलिश डब्लू बनाया, चलो आ जाओ। जीनोटिपिक का मतलब क्या है, कौन कौन से जीन इन्वॉल्व है, पहला जीन का कॉम्बिनेशन देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, दूसरे का कॉम्बिनेशन देखो कौन सा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले दोनों, और तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, स्मॉल टी। तो आपके जीन का कंपोजिशन क्या है, विच इज नोन एज जीनोटिपिक रेशियो, वो क्या कहलाता है हमारा, जीनोटिपिक रेशियो। तो यहाँ पे कैपिटल टी वाला कितना, एक, ठीक है, इस कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं, दो,
और स्मॉल टी स्मॉल टी वाले 1, तो आपका जीनोटिपिक रेशियो विल बी 1:2:1. यहाँ पे देखा गया बेटा फिनोटिपिक करेक्टर, दैट मीन्स ये जो आपका प्लांट है इसमें क्या फिजिकल अपीयरेंस आया, ठीक है, ये दिखाई कैसा दे रहा है आफ्टर जब आपका ग्रो हो गया, तो इसके जो सीड बने इसने कैसे प्लांट को ग्रो कराया. तो बेटा जब भी आपका कैपिटल टी वाला आए, चाहे वो एक बार आए चाहे वो दो बार आए, प्लांट कैसा बनेगा, टॉल बने, ठीक है. अगर कैपिटल टी कहीं पे भी आ जाएगा, कोई भी कैपिटल वाला आपका एलील आ रहा है, इन दैट कंडीशन कैसा प्लांट बनेगा बताओ. टॉल. तो ये भी टॉल है और ये भी टॉल है, लेकिन यहाँ पे आ गया कौन सा स्मॉल टी वाला, तो ये क्या है आपका ड्रॉप कंडीशन बन गई. तो आपके 1, 2, 3 कितने टॉल हैं, टॉल एंड ड्रॉप, 3:1. कोई भी ऐसा बच्चा जिसको यहाँ तक दिक्कत हो, ये एकदम इजी वाली चीजें थी, अगर क्लास ले चुके हो पहले तो बन भी रहा होगा, होप सो. ठीक है, कोई दिक्कत, बहुत देर से पूछा नहीं है, बता दो भाई. नो दिक्कत, नो मैम, इजी है. अब बेटा ये वाला मेथड तो हो गया इस तरह से क्रॉस कराने का, एक गंदा वाला मेथड. इसको थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए क्या करते हैं हम, एक स्क्वायर बॉक्स बना करके ये प्रोसेस की जाती है. दैट बॉक्स इज नोन एज, दैट स्क्वायर इज नोन एज पनेट स्क्वायर. पनेट स्क्वायर, यस, क्या कहलाता है ये आपका, पनेट स्क्वायर कहलाता है. ठीक है, तो चलो पनेट स्क्वायर बना लें. आशीष सर की लैंग्वेज में डन 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 डन. क्या करते हैं कि स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, और यहाँ अभी मोनो हाइब्रिड करवा रही हूँ मैं, कल डाई हाइब्रिड करवाऊंगी. ठीक है, कितने करेक्टर लिए थे हमने जब हमारा जीन सेग्रीगेट हुआ था, तो 2 पार्ट में हमने जीन को सेग्रीगेट किया था. कैसा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी और ये वाला भी कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर मेल रख दिया और इधर क्या कर दिया, फीमेल वाले को रख दिया. तो कैपिटल टी ये वाला इसके साथ क्रॉस कराएंगे, फिर यही वाला इसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाला क्या आ जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी. अभी भी रेशियो क्या आ रहा है आपका, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, और ये कैसा है आपका ड्रॉप. तो रेशियो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, 3:1. जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक, 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 फिनोटिपिक स्क्वायर है ये. ठीक है, यस, चेकर बोर्ड या पनेट स्क्वायर, यस, रेग्नोल्ड्स पनेट ने इसको दिया, बनाया था, इसलिए उनके नाम पे रखा गया. जीनोटिपिक फिनोटिपिक क्लियर है सबको, चलो ऋतिका बढ़िया. yes, ma'am. कोई और ऐसा जिसको कंफ्यूज, देखो ऋतिका कह रही कंफ्यूजन था, अभी क्लियर है. जीनोटिपिक मतलब जेनेटिक कॉम्पोजिशन कितना है, ठीक है, कौन कौन से जीन है, कैपिटल टी है या स्मॉल टी है साथ में, कैपिटल कैपिटल वाला है या स्मॉल स्मॉल वाला साथ में, ठीक है, या अगर डाई हाइब्रिड में देखे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई है, या कैपिटल आर स्मॉल वाई है, ये क्या है आपके जीनोटाइप है. लेकिन यहाँ पे देखो ये कैपिटल आर वाला, जब जब कैपिटल आ गया तो डोमिनेंट कैरेक्टर आएंगे, तो राउंड एंड कौन सा सीड बनेगा, येलो. यस मैम, आगे होगा तो बता देना भाई, इसीलिए ये दोबारा से हो रहा है. ठीक है, और ये वाला भी क्या बनाएगा, राउंड एंड येलो. तो बेटा इसके जेनेटिक कंपोजिशन में चेंजेस आए, लेकिन फिनोटाइप क्या है, अभी भी सेम है. किस वजह से फिनोटाइप सेम है, ड्यू टू डोमिनेंट कैरेक्टर. ठीक है, डन. किसी को भी यहां तक कोई दिक्कत, कल डाई हाइब्रिड क्रॉस से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, यस मैम. कौन कौन है क्लास में जल्दी से बता दो. अस्मिता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया. जिज्ञासा, प्रतिभा, सृजल, तनिष्का, शैलजा, पायल, ईशा, उज्जवल, कनिका, गायत्री, हेमलता,
मोहिनी, आयुजी, तन्वी, कोमल, तनिषा, आंचल और कोई जो है क्लास में, ज्योति भी, अरे वाह, जतिन, दीक्षा, आज पता नहीं लगा क्रॉस है। अभी सिर्फ मोनो हाइब्रिड पढ़ा है बेटा, सिमरन भी है, हर्षिका भी है, शैलजा भी है, पल्लवी, सुनिधि, वंशिका। मैं नाम याद रखती हूँ तभी तो मुझे पता चल जाता है कि नवशिखा नई है क्लास में, ऐसे कैसे पता चल जाता है, क्योंकि मैं ध्यान रखती हूँ जो यहाँ चैट बॉक्स में मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसके बारे में मुझे पता है। अस्मिता, बस इतने ही, कौन नहीं है। आकांक्षा बेटा हो क्लास में। अक्षिता, खुशी भी है, अरे वाह खुशी, शिवानी भी है भाई। आकांक्षा आ गई, देखो चैट बॉक्स में खुद ही बुलाना पड़ता है। अश्विन अच्छा नहीं है वो, वंशिका देखो, यस मैम। और रुको बुलाती हूँ बच्चों को, ठीक है, नाम लेके। आर्या, आर्योदय, दीपाली, आज हरमन ने भी नहीं किया है यार मास्टर, अच्छा पहले से किया था ना से। माइक, जिनका माइक कनेक्टेड है उन्हीं का नाम लेती हूँ बेटा। मैसेज इधर उधर हो जाते हैं। बढ़िया शिवानी, चलो ठीक है, एक वाटर ब्रेक ले लो तुम लोग, फिर फिजिक्स की क्लास है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है, बता दो। आकांक्षा भी है। नो मैम, डाउट मैम, कोई डाउट नहीं। नो मैम, ऐसा, हाँ ये शिवानी बीमार हूँ अभी, मानसो सर है ही नहीं है, बगल वाली सीट में चले गए। थैंक यू जिज्ञासा, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। एक बार सब लोग जल्दी से देखो, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो बता दो, आज फिजिक्स की क्लास है। यस, क्या ही मैसेज कर दिया भाई। मैम हम डायहाइब्रिड क्रॉस ही करेंगे या ट्राईहाइब्रिड क्रॉस भी करेंगे? ट्राई भी करा दूंगी, ट्राई कराया था पिछली बार, ट्राई नहीं कराया था मैम, कराया था इसीलिए पूछ रही हूँ। खुद ही करना है, ओके मैम। अच्छा शिवानी ने देखा था कि सर चले गए, पूरा ध्यान तो कहाँ रहता है कि सर कब आए। देखो नवीन भी है क्लास में, बोल रहे नो डाउट, सबने देख लिया था बैकग्राउंड में, सबने देख लिया, बहुत अच्छी बात है। मैम काइंडली मेक यू सेल्फ होस्ट। हेलो हेलो, ध्यान में ही रहता है ना, बहुत अच्छे। सारा क्रिस्टल क्लियर है इसलिए ध्यान बैकग्राउंड में रहता है, सब ने देखा था, सारे एक एक मैसेज कर रहे हैं। जीनोटाइप वाला बता बेटा, जीनोटाइप क्या है? टाइप मीन्स वेराइटी, टाइप मीन्स क्या होता है आप तो नहीं भूलेगा, वेराइटी, और किसकी वेराइटी? जीन की वेराइटी। तो जीन ये वाली कंडीशन का है, तीन ही वेराइटी होती है, जीन ये वाली कंडीशन का है या जीन ये वाली कंडीशन का है ना, आया समझ में अभी? फायर फायर क्लियर बेटा, ये जीनोटाइप बता दो एक बार।
60 हो गए, बहुत अच्छी बात, मैं चली जाती हूँ, 59 हो जाएंगे। चलो बाय बाय एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है, कल डाई हैबिट से पढ़ेंगे। बाय मैम। बाय मैम।